महाजैन को एलिडिटी रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रही है मेरे पास, तो उसके लिए मैं जस्ट क्विकली आंसर देना चाहता हूँ। दो पोस्ट है एई और जेई का, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या हम दोनों पोस्ट भर सकते हैं कि नहीं। ओके, वेदर वी कैन अप्लाई फॉर एई एंड जेई ऑल्सो। सो सी, जो एई पोस्ट है ठीक है, उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है जो कंपलसरी आपको होना चाहिए वो है आपका, आपके पास बी एंड बी टेक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है ठीक है, आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए, मैंने नोटिफिकेशन वीडियो में बोला था। एंड जेई तो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, जिधर आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है। तो अभी ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका डिप्लोमा प्लस बी बी टेक है, और ऐसे कैंडिडेट है जिनका 12+ BBTech है ठीक है। तो जिनका भी 12 एंड BBTech है, आपको सिर्फ ए में एलिजिबल हो ठीक है, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, और जिन्होंने भी डिप्लोमा प्लस बी बी टेक किया है आप जेई का भी भर सकते हो और ए का भी भर सकते हो ठीक है। अभी इसमें दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम मतलब क्या है, एक तो फीस आपको दोनों पे करना पड़ेगा, सेपरेट फॉर्म फी कर रहे हो ठीक है, तो सेपरेट फी देना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो है कि एग्जाम का जो डेट है ठीक है, अभी कुछ कुछ जगह मेंशन किया रहता है कि क्लैश हो सकता है वगैरह, इधर तो मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी रिस्क रहेगा कि एक ही टाइम पे एक ही दिन में आपका जेई और ए का एग्जाम शेड्यूल हो सकता है ठीक है। तो अपने खुद पे रिस्क पे, मतलब अगर रिस्क अगर एक 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 ही साथ मतलब एग्जाम अगर हुआ शेड्यूल, तो डेफिनेटली आपको एक तो छोड़ना पड़ेगा राइट, वो आपके ऊपर होगा। तो अपने खुद पे रिस्क पे ये फॉर्म भरो, अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही फॉर्म भरो, इनफ हो गया, बाकी दो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है आपको, एक में ही अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको सोचना है ओके, एग्जाम क्लैश हो सकता है, एंड सेकेंड फीस जो है वो सेपरेट देना पड़ता है ठीक है। आई होप कि ये जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई है, और येस ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, ऑलरेडी मैंने बताया था, हर एक वीडियो बता रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और कल जो अपना फॉर्म फिलिंग वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में आंसर दूंगा मैं ठीक है। ऑल द बेस्ट।